मेरे प्रिय फादर मॉरिस, फादर मुखलाल, फादर मानू, सभी फादर जो है ये सिस्टरगन कैथलिक सभा के जो अधिकारी है, सभापति, सेक्रेटरी, सचिव, सभी मेरे भाइयों और कई बहनों भी हैं। मैं आप लोगों के बीच यहाँ आने के लिए बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि कलीसिया की अगुवाई, कलीसिया को आगे लेने का काम हम सबों को दिया है। न सिर्फ बिशप की जिम्मेवारी होती है, न सिर्फ पुरोहितों की, लेकिन सभी जो कैथलिक कलीसिया के सदस्य हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जो रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़े हैं, इसमें बहुत ही अच्छे बातें बताए गए हैं। मैं सबका तीन भागों में, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन तीन भागों में आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारी कैथलिक सभा का, कलीसिया का जीवन क्या है? पहला भाग तो है धार्मिक भाग, दूसरा भाग है सामाजिक भाग, और तीसरा भाग है पारिवारिक भाग। ये तीनों में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा कलीसिया का काम, कलीसिया को सदस्यों का काम क्या है, ये हमें काफी स्पष्ट होगा। धार्मिक, देखिए कलीसिया एक ही कारण के लिए पैदा हुई, प्रभु यीशु के मरण पुनर्जीवन के बाद उसका मिशन आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया पैदा हुई, इसलिए अपना पवित्र आत्मा भेजा था। और ये मिशन क्या है? प्रभु ने हमें दो ही आज्ञाएं दी हैं, बहुत सब अपने ईश्वर का पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से प्यार करना और एक दूसरे का प्यार करना, इसी में हमारा धर्म है। कहीं एक रिपोर्ट में बोला गया था कि हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, सही है, लेकिन जो संस्कार में प्रार्थना करते हैं, जैसा बलिदान, शादी का संस्कार, हमारे बपतिस्मा का संस्कार, जो सात संस्कार हैं, वो कहीं भी नहीं कर सकते, वो एक उचित जगह में और उचित तरह करना है। और इसलिए जो धार्मिक बात मैं बता रहा हूं, उसमें से सब कुछ शुरू होता है। यदि हमारा, हमारे संबंध प्रभु के साथ ठीक होते हैं, ठीक रहते हैं, पूरा परिवार हिस्सा जाता है, पूरा परिवार प्रार्थना करता है, पूरा परिवार में रोजरी एंजलुस करते हैं, तब उस परिवार का जीवन अलग होना ही चाहिए। और इसलिए आप लोग जो पिता लोग हैं, परिवार के लिए काफी परिश्रम करते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए पसीना बहाते हैं। यदि आप लोगों का, बच्चों का सही भविष्य देखना चाहते हैं, तो उनके दिलों में प्रार्थना का प्यार,
विश्वास का प्यार डाले। तो छोटे होते ही हम उनको प्यार से सिखाएंगे प्रार्थना कैसा करना है, कलीसिया में कैसा जाना है, गिरजा में किस तरह प्रार्थना करना है। न सिर्फ माताओं का काम होता है, ये पिताओं का भी काम होता है। ये पहली बात है। उसी में आज हमें अच्छे पुरोहितों की जरूरत है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलना चाहता हूँ, 2 साल बोलते रहा हूँ यहाँ। पुरोहित आसमान से नहीं गिरते हैं, पुरोहित हमारे समाज से आते हैं, हमारे परिवारों से आते हैं। जिस तरह हम बच्चों को, हमारे बच्चों को बड़े करते हैं, वो ही बच्चे पुरोहित करेंगे। ठीक है, सेमिनरी में आते हैं, हम कई साल उनके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे बड़े विद्वान बोलते हैं, पहले 5 सालों में बच्चा के दिल में, मन में जो कुछ जाता है वो ही आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, सुधार होता है। संत अगुस्तीन का भी सुधार हुआ था, लेकिन ये नॉर्मल रास्ता ये है कि जैसा बच्चा बड़ा होता है वैसा ही आदमी बनता है, वैसा ही पुरुष बनता है। तो बच्चों को और बच्चियों को किस तरह हमारे परिवार में बड़ा करना, ये बुलाहट की बात है। दूसरी बात, सामाजिक। देखिए, काफी बहुत अच्छे बातें पिछले आप लोगों के मीटिंग में आए हैं, और मेरे कई जो डर है वो आप लोगों के सामने, सामाजिक ओर से आप लोगों के सामने मैं खुलेआम रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारी आदिवासियत संभालने का एक बड़ी चुनौती है। जैसे शक्तियां उत्पन्न हो रहे हैं, किसी ने एक रिपोर्ट में बोला कि सब कुछ आदिवासियत समाप्त करने के लिए ये वो जा रहा है। और कभी कभी हमारे बच्चों को देख के मुझे डर लगती है। पहली बात, डिलिस्टिंग की। शिल्पी भी मेरे पद ग्रहण के दिन शिल्पी तीर की बहुत अच्छी तरह से इसके बारे बोली। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। डिलिस्टिंग का मतलब क्या है कि जो ईसाई है उनको आदिवासी नहीं माना जाएगा, मतलब आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब जमीन के जो हक की है वो भी जाएंगे। लेकिन गैर समझ क्या है? गैर समझ ये है कि सरना लोगों के मन में ऐसा लगाया है कि ईसाई आदिवासियों को अलग करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा आरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है। एक बार ईसाई आदिवासी बाहर गए तो बोलेंगे अब आदिवासी कम है, तो उनके सीटों कम हो जाएंगे, उनका जो आरक्षण है वो कम हो जाएंगे, हमें भी मार उनको भी मार। लेकिन सोचते नहीं है, डिलिस्टिंग 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 करते। तीसरी बात डिलिस्टिंग की, आदिवासी कौन है? ईसाई आदिवासी क्यों नहीं होंगे? ये विचार हमने जो डिलिस्टिंग करना चाहते हैं उनसे करना चाहिए। क्या धर्म बदल गया तो आदिवासी चले गए? दूसरा, सिर्फ ईसाई बनने से आदिवासी चली जाती है, दूसरे धर्म में जाने के बाद नहीं चली जाती है? तो जो सरना रहते हैं,
शुद्ध साधना रहते हैं वही लिस्ट में रहेंगे। बाकी जो दूसरा पूजा करते हैं वो लिस्ट में क्यों रहेंगे? ऐसा होगा तो डी लिस्टिंग का मतलब ये होगा कि कई हजार ही आदिवासी रहेंगे। नहीं तो सरना कोड लागू करने के बाद उसके बाद देखेंगे। तो ये विचार आप लोगों ने ठीक तरह से करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए डिलिस्टिंग का मतलब क्या है, किसको दुख होगा, किसको कष्ट होगा। आखिरी में और मैं ये मेरा कहना है, बहुत पढ़ने के बाद, बहुत देखने के बाद, सोचने के बाद डिलिस्टिंग का मार्ग न सिर्फ ईसाई आदिवासियों को, सभी आदिवासियों को लगेगा। और इसलिए उनको आप लोग जो जिस जो सरना लोगों को पहचानते हैं उनको समझाना चाहिए कि कितना दुर्भाग्य बात होगी डिलिस्टिंग आगे बढ़ेगा तो। दूसरा, इसी में सामाजिक ओर में हमारे भाषाएं जो हमारे एक एक जाति की भाषा है वो हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाती? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सब पढ़ाई जाती है। हमारे जो भाषाएं हैं उराव, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, बीजा, ये हमारे स्कूलों में आती ही नहीं है। तीसरा, जमीन। और जमीन की बड़ी बात है, प्रगति के नाम पे हमारा जितना भी जमीन है धीरे धीरे जा रही है और हम देखते रहे। मैं संत पापा के संस्कृति के विभाग में 10 साल काम किया वेटिकन में, और हम अलग अलग दुनिया के देशों की पढ़ाई, संस्कृति की पढ़ाई करते, और हमने ये देखा जहाँ ये जातियों को खत्म करने चाहते हैं वहाँ पहला उनका जमीन लेते हैं और दूसरा उनकी भाषा चली गई। भाषा चली गई, जमीन चली गई, आदिवासियत तक कहाँ से ले लिया वापस। और इस पे हमने चतुर रहना। मेरी जमीन है वो क्यों बेचना है? मेरी जमीन है वो जमीन संभालना हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। नहीं होगा तो हमारा समाज कहाँ जाएगा आप लोग सोचिए। कभी कभी मैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ और कभी कभी मेरे दिल में, मेरे अंदर एक भय आती है, ये बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य आप लोग, हम लोग नहीं संभालेंगे तो भविष्य नहीं है। और तीसरा, हमारे जो परिवार बहुत चीजें बोले हैं आप लोगों के रिपोर्ट में परिवार के बारे में, और एक बार सही तरह से हमारे परिवार को देखना, प्यार के परिवार बनाना। जिस परिवार में कलीसिया के नियमों के अनुसार चलते हुए परिवार बनाना, तभी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में शांति रहेगी।
मेरे प्यारे भाइयों, परीक्षाएं बहुत आती हैं, चुनौतियां बहुत आती हैं, लेकिन जो अकड़ी में सख्त रहता है, मजबूत रहता है, वो ही जीत पाता है। और मैं जानता हूं कि हमारे बीच विभाजन करके चुनावों के लिए, दूसरी चीजों के लिए हमारे बीच ही विभाजन करते करते जो हमारे दुश्मन है वो आगे बढ़ पहुंचे। आप लोग इकट्ठा रहेंगे, हम लोग एक साथ चलेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित। अब सबों को धन्यवाद। मैं कल भी यहाँ रहना चाहता था, लेकिन कल बेंगलोर जाना है, सभी बिशपों की मीटिंग है 8 दिनों के परसों से, तो नहीं रुक सकता हूँ, लेकिन आपको, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और जो भी काम आप कलीसिया के लिए करते हैं, विशेष करके मेरे पुरोहितों के लिए करते हैं, मेरे पुरोहितों की सहायता करते हैं, उसको मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब आप लोग मेरे पुरोहितों को, सिस्टरों को मदद करते हैं, वो मदद मुझे भी मिलती है। तो पुरोहितों की अगुवाई के साथ कलीसिया आगे बढ़ाना, आप लोगों की सहायता, सहकार और आप लोगों की के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी समय मिलेगा, बातें मिलेगी। मेरी एक विशेष योजना है, हर एक पल्ली में जाके एक दो दिन रुक के वहाँ का विजिटेशन करने का, लेकिन धीरे धीरे साल में हो जाएगा, तब और बातें करेंगे। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों का गैलरिया हूँ। संत पापा ने मुझे यहाँ आप लोगों के सेवा के लिए भेजा है, और ये सेवा मैं करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। जय यीशु, जोहार।